नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिगनेस नाइन में। एक तरफ बिहार सरकार अपने आप को लोक कल्याणकारी बताती है, वहीं दूसरी ओर सासाराम के सदर अस्पताल में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों को पिछले 9 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। ऑपरेटरों का कहना है कि वे लोग लगातार काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के मानदेय का भुगतान नहीं होने से कार्य क्षमता में लगातार कमी आ गई है। उनका कहना यह भी है कि काम करने में मन नहीं लगता। स्थिति यह है कि कई कर्मी नौकरी छोड़ने के फिराक में है। सदर अस्पताल में तैनात कंप्यूटर कर्मियों पर ही पूरा दमदार है और ये लोग दिन भर मरीजों का पर्चा काटते हैं, लेकिन इन लोगों के जीवन कैसे चलता है इसे देखने वाला कोई नहीं। इस मामले को लेकर जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। और इस पर विशेष जानकारी के लिए हम बात करते हैं यहाँ के कंप्यूटर कर्मियों से। हम लोग काम कर रहे हैं इतना दिन से, लेकिन हम लोग को आज तक से जनवरी तक से वेतन नहीं मिला है। अब बताइए कि हम लोग इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना पर्ची काट रहे हैं, हम लोग को परेशानी बहुत हो रही है। पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग का काम कैसे चलेगा? हम लोग का भी बाल बच्चा है, यहाँ हम लोग शहर में रह के इतना काम कर रहे हैं। हम लोग को जब पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे? और यही हम लोग का दिक्कत है। हम लोग के काम पर सरकार को तो ध्यान देना चाहिए कि लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। अब तक से क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजू कुमारी। हम लोग सबसे पहले कि जनवरी माह से जो है वेतन बाकी है, 9 महीने से लगभग वेतन हो गया। इससे पहले भी जो है 13 महीने का लगभग बाकी रह चुका था वेतन, जो अभी तक जो है नहीं मिल पाया है। और सीएस महोदय के पास भी हम लोग गए थे, वहाँ बोले हुए हैं कि पेमेंट सर कराने के लिए। सर उन्होंने आश्वासन ऐसे दिया है कि पेमेंट जो है जल्द से जल्द जो है करवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब आलम। सर 9 महीने से मानदेय नहीं मिली है, सर क्या कारण? हाँ, उसके लिए कार्रवाई की गई, बिल साइन हो गया है, मिल जाएगा। क्या कब तक मिल जाएगा सर? हमको लगता है मान के चलिए 1 सप्ताह, बिल तो साइन कर दिया, आप चाहिए में समय लगेगा। और इधर 22 सितंबर से बेगूसराय में होने वाली राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी बालक वर्ग प्रतियोगिता के लिए रोहतास जिला की टीम आज रवाना हो गई है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के कुल 30 खिलाड़ियों का दल आज बेगूसराय बिहार के लिए रवाना होगा। इसके पूर्व रोहतास जिला के खेल उप अधीक्षक ने सभी खिलाड़ियों को ड्रेस प्रदान किया एवं उन्हें शुभकामनाएं दी। यह प्रतियोगिता 22 सितंबर से 24 सितंबर तक बेगूसराय बिहार में खेली जाएगी और इसमें बिहार के सभी जिलों से खिलाड़ी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। बिग न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है सर। सर ये कहाँ की खेल हो रही है? राज्य स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता कबड्डी बेगूसराय में होगी। अच्छा, जिसमें 3 ग्रुप बालक का अंडर 14, 17 और 19, जिसमें प्रत्येक टीम में 10-10 की टीम 10-10 खिलाड़ी रहेंगे। टोटल टीम की संख्या हो जाएगी 10। कितने तारीख से सर ये स्टार्ट होगी? 22 सितंबर से 24 सितंबर तक जो है प्रतियोगिता वहाँ बेगूसराय में समाप्ति है। समाप्ति है 24 तारीख को शाम को। थैंक यू सर। आपका नाम सर? मनोज कुमार, साजिश शिक्षक मंडल। थैंक यू सर। और आज मुहर्रम को लेकर के पूरे राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया हुआ है, प्रशासन अलर्ट है और सामुदायिक हिस्सा ना हो इस पर खास ध्यान दी गई है। और इस मुहर्रम को लेकर के सासाराम के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया निकाला। वो बताते चले कि सासाराम का ताजिया काफी लोकप्रिय है तथा दूर दूर से लोग यहाँ का ताजिया देखने आते हैं। सुबह से ही नगर में युवाओं की टोली ताजिया जुलूस में शामिल होने लगे हैं। वही हसन हुसैन के नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। मुहर्रम को लेकर सभी वर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है और यह देश